हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम त्रिगुंस किचन। आज मैं आपके साथ आटे से बने हुए नमक पारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कुछ जगह पे इसे नमकीन या फिर मटरी भी कहा जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल स्नैक्स रेसिपी है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जिस तरीके से मैंने इसे बनाया है, नमकीन बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई है। और इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें मिलाया है नमकीन का मसाला, जो कि मैंने इस वीडियो में इसे भी शेयर किया है। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ तैयारी कर रखी है नमक पारे बनाने के लिए। ये मैंने लिया है आटा, जो कि आधा केजी है, और इसे मैंने दो बार बारीक छलनी से चाल लिया है, जिससे कि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। आटे में मोयम लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, इसकी जगह पर आप तेल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है काला जीरा, अजवाइन और नमक। नमक पारे बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंथना होता है, जिसके लिए मैं आटे को एक बड़े बर्तन में डालूंगी। फिर इसमें मिलाना है काला ज़ीरा, अजवाइन और नमक। अजवाइन मैंने 1/2 टीस्पून लिया था, काला ज़ीरा और नमक मैंने 1/4 टीस्पून लिया था। मोयम लगाने के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, जो कि मैं 2 छोटे चम्मच डालूंगी। आटे में मोयम लगाने के बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम और घी मिला सकते हैं। घी को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिला देना है। सही तरीके से मोयम देने से नमक पारे बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मसलते हुए मैं पूरे आटे में घी को मिला रही हूँ। नमक पारे बनाने में अगर हम घी का मोयम देते हैं तो नमक पारे बहुत टेस्टी बनते हैं। आटा अगर इस तरह से मुट्ठी में बंध जाता है तो इसमें घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आटे को गूंथ लेना है। नमक पारे बनाने के लिए जो आटे का डो रहेगा वो सख्त रहेगा। कम से कम पानी डाल के पूरे आटे को एक जगह कर लेना है और 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। आटे में थोड़ा पानी कम है तो थोड़ी मेहनत लगेगी आपको इसे गूंदने में, लेकिन नमक पारे जो हैं इसी तरह से गूंदे हुए आटे से सही बनते हैं। आटा जब गूंथ के तैयार हो जाएगा तो ढक देना है इसे हल्के गीले कपड़े से 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे मैं कपड़ा हटा देती हूँ और जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी तरह से पहले आटे को सख्त गूंदना है, फिर इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम इसकी लोई कट करेंगे, जो कि रोटी की लोई से बड़ी होनी चाहिए, और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे बिल्कुल बराबर कर लेना है और इसे बेल के नमकीन कट कर लेना है। नमक पारे बनाने के लिए जो रोटी बेलेंगे वो ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। और जो ये रोटी के किनारों पे क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, वो आटा सख्त होने की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ये फोक लिया है, जिसकी हेल्प से मैं इस रोटी में छेद करूँगी। इससे ये होगा कि जो नमकीन हम बना रहे हैं वो कम फूलेंगे और बहुत दिन तक ये क्रिस्पी रहेंगे, अगर हम इसे एयर टाइट डब्बे में नहीं भी रखते हैं तो। और ऐसे नमक पारे बिल्कुल बिस्किट की तरह बनते हैं। अब जो है नमकीन को कट कर लेना है। यहाँ पे जो अनइवन पार्ट है इसका, जो क्रैक वाला पार्ट है, उसे मैं निकाल देती हूँ और इसके बाद आधी आधी इंच के गैप में इस चाकू की हेल्प से मैं नमक पारे को कट करूँगी। तो यहाँ पे आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं, पतला भी कट कर सकते हैं, इससे मोटा भी कट कर सकते हैं और लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। मैं इसे बर्फ़ी के शेप में कट करूँगी। इसके कॉर्नर से मैंने कट करना स्टार्ट किया है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जो भी आपकी चॉइस है, जिस तरीके से आप नमक पारे बनाना चाहते हैं, आप इसे कट कर सकते हैं। नमकीन को बनाना बहुत ही सिंपल है, इसे आप इवनिंग टी के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमकीन कट कर लिया है और बहुत ही आसानी से ये निकल जा रहा है, ज़रा सा भी ये चिपक नहीं रहा है, सही मोयम पड़ा है इसमें। और यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस को दिखा देती हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए कि इसे कितना मोटा कट करना है। तो मैंने इस नमकीन को अलग से प्लेट में निकाल लिया है और सेम इसी तरीके से बचे हुए आटे के नमकीन को भी कट करके तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और इसे गर्म करूंगी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। तेल को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक नमकीन डालूंगी, तो ये ऊपर की तरफ आ चुका है। तेल जो है बिल्कुल परफेक्ट गर्म हुआ है बाकी सारे नमकीन को डालने के लिए। तो मैंने इसे तेल में डाल दिया है। आप किसी भी तरीके से इसे तेल में डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, थोड़ी ही देर में ये अलग हो जाते हैं और पूरे तेल में अच्छी तरह से फैल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक नमकीन जो है बिल्कुल अलग हो चुका है और इसे हमने फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। पहले जो है फ्लेम मीडियम रहेगी, उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। ये आटे के नमकीन है तो इसका कलर जो है थोड़ा डार्क ही होता है मैदे के नमकीन के मुकाबले। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि नमकीन का कलर जो है चेंज होने लगा है और ये बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर में आ गया है। तो इस वक्त नमकीन को निकाल लेना है। ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम फुला है और बिल्कुल बिस्किट की तरह दिख रहा है। नमकीन जो है फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे
और जो बाकी की नमकीन है इसे भी इसी तरीके से तल लेना है। जब तक ये नमकीन तलेगी तो हम नमकीन में डालने वाला जो मसाला है उसे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि गर्म नमकीन में ही मसाले को डाला जाता है। तो मैंने आधे नमकीन में मसाला नहीं डाला है और आधे नमकीन में मैं ये मसाला डालूँगी। तो इस मसाले को बना लेते हैं, जब तक इसे लो फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है रोस्ट किया हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर। धनिया और ज़ीरा को मैंने हल्का सा भून लिया है और इसका पाउडर तैयार किया है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मैं डालूँगी ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्च, ये भी है 1/2 टीस्पून। ये मैंने लिया है चाट मसाला, जिसे मैंने हल्का सा तावे पे रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, आप भी इस तरह से प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, और अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक और मसालों को कम सदा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नमकीन है ये भी फ्राई होके तैयार हो चुकी है, और ये बिल्कुल गर्म है, और गर्म में ही इन मसालों को डालना है ताकि ये मसाले नमकीन में अच्छी तरह से चिपक जाएं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। तो इसे अच्छी तरह से पूरे नमकीन में छिड़क देना है और इस तरह से टॉस करते हुए पूरे नमकीन में मसालों को मिला देना है। यहाँ पे मैं नमकीन को तोड़ के दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कि कितना खस्ता बना है ये, और बिल्कुल आसानी से टूट जा रहा है। ये नमकीन बहुत ही टेस्टी है, परफेक्ट स्नैक्स रेसिपी है फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत पसंद आती है। प्लीज़ इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियोज़ में आके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय टू एवरीबॉडी।